शुक्रवार से शुरू हुए पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षकों के 3 दिवसीय सम्मेलन का आज अंतिम दिन। सम्मेलन में साइबर क्राइम, ड्रग्स के खिलाफ जंग, आतंकवाद से निपटने की चुनौतियों समेत कई मुद्दों पर चर्चा। प्रधानमंत्री आज भी सम्मेलन में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों के नामकरण कार्यक्रम में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी करेंगे अनावरण। मौसम विभाग ने कहा 23 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में आएगा बदलाव। 24 जनवरी को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना। दिल्ली के आसपास 24 की रात से 25 के बीच हल्की हो सकती है बारिश। अगले 5 दिन तक तापमान में गिरावट रहेगी जारी। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने सेना प्रमुख अरूडा को किया बर्खास्त। सेना प्रमुख अरूडा पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने का आरोप। ओडिशा में चल रहे हॉकी विश्व कप के क्रॉसओवर मुकाबले में आज भारत की न्यूजीलैंड से भिड़ंत। पूल डी में दूसरे स्थान पर काबिज भारत के लिए मुकाबले में करो या मरो की स्थिति। क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना होगा मैच। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि नई दिल्ली में चल रहे पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आज समापन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी सम्मेलन में भाग लेंगे। 3 दिवसीय ये सम्मेलन शुक्रवार से शुरू हुआ था। सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों के डीजीपी और आईजीपी के अलावा केंद्रीय पुलिस बलों और खुफिया एवं सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, साइबर सुरक्षा, ड्रोन के खतरों और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे कई अहम विषयों पर चर्चा हो रही है। प्रत्येक विषय पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए गए सर्वश्रेष्ठ तरीकों को सम्मेलन में दर्शाया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों के नामकरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। आजादी के अमृतकाल में परमवीर चक्र से सम्मानित वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि स्वरूप इन द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनने वाले नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के एक मॉडल का भी अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल भुगतान की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि इसे लोगों को जीवन में आसान और सुगम इसने बनाया है। एक नागरिक के ट्वीट पर अपनी राय व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा है कि डिजिटल भुगतान से अनगिनत लोगों का जीवन आसान और सहज हो गया है। इस पर आपको कई रोचक किस्से भी सुनने को मिल जाएंगे। और इसी तरह भारत में डिजिटल भुगतान को अपनाने पर एक प्रवासी भारतीय के ट्वीट पर अपनी राय व्यक्त करते हुए पीएम ने कहा कि पूरे भारत में ये एक आम नजारा है। हमारे देशवासियों ने तकनीक और नवाचार को अपनाने में उल्लेखनीय निपुणता दिखाई है। और चलिए अब बात कर लेते हैं सर्द मौसम की। आपको बता दें उत्तर भारत में अगले हफ्ते मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। मौसम विभाग ने 24 और 25 जनवरी को उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम की स्थिति में बदलाव देखने को मिल सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में 23 जनवरी से ठंड बढ़ने लगेगी और इसका प्रभाव मैदानी क्षेत्रों में 24 जनवरी से देखने को मिलेगा, जो कि 25 जनवरी को भी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने इस दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अनुमान जताया है, जिससे न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है।
और लखनऊ में आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई केंद्रीय मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अधिकारी शामिल होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के साथ ही पार्टी के कार्यक्रम अभियानों पर भी चर्चा होगी। कार्य समिति की बैठक का एजेंडा के लिए चर्चा करने के लिए प्रदेश पदाधिकारी हम सब लोग बैठे हैं। एमएलसी का चुनाव भी है, नगर निकाय चुनाव भी हैं, लोकसभा चुनाव भी हैं, पार्टी के कार्यक्रम अभियान जो पहले से चल रहे हैं वो भी है, उसकी भी चर्चा हम लोग। और प्रयागराज से भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक पर कहा कि इसमें चुनावी रणनीति के साथ विकास के कार्यों पर भी चर्चा होनी है। हम लोगों की नए अध्यक्ष जी के साथ पहली कार्यकारिणी है, चुनावी रणनीति के साथ साथ हमारे अर्थव्यवस्था, हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है, विकास के कार्य, जो हमारे अलग अलग तरीके की योजनाएं हैं उनके बारे में भी अवगत कराया जाएगा। हमारी विदेश नीति क्या है, हमारे इस समय हमारे सेना की क्या स्थिति है और कैसे हमारे बॉर्डर्स का हाल है, यूपी का क्या डेवलपमेंट हो रहा है, सारे विषयों पर आज हम लोगों को जानकारी दी जाएगी। और वास्तव में देखा जाए तो एक ऊर्जा बढ़ने का काम होगा आज कार्यकर्ताओं में कि वो लौट कर और फिर सक्रियता से 2024 की तैयारी में लगे। और त्रिपुरा में विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने डोर टू डोर कैंपेन किया। आपको बता दें कि त्रिपुरा में 16 फरवरी को सभी 60 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, वहीं 2 मार्च को मतों की गिनती होगी। और सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की एक प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री को शेयर करने वाले कई यूट्यूब वीडियोस को ब्लॉक कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इस डॉक्यूमेंट्री में विवादास्पद एपिसोड्स को शेयर करने वाले यूट्यूब वीडियो को ब्लॉक किया गया है। साथ ही साथ यूट्यूब वीडियो के लिंक वाले 50 से अधिक ट्वीट्स को भी ब्लॉक करने के निर्देश दिए गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये जो बीबीसी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री है, इसका विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। विदेश मंत्रालय पहले ही इस डॉक्यूमेंट्री को भारत के खिलाफ एक खास किस्म के दुष्प्रचार का नैरेटिव चलाने की कोशिश बता चुका है। तो वहीं अब देश के जो तमाम प्रतिष्ठित लोग हैं उन्होंने इस विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। देश के कुल 302 प्रतिष्ठित नागरिकों ने बीबीसी के खिलाफ एक पत्र लिखा है। इन लोगों में 13 सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, 33 राजदूत समेत 133 सेवानिवृत्त नौकरशाह और सशस्त्र बलों के 156 सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। पत्र में कहा गया है कि बीबीसी ने अपनी इस डॉक्यूमेंट्री में स्पष्ट रूप से तथ्यात्मक गलतियां की हैं। पत्र में कहा गया है कि खुद को स्थापित करने के लिए बीबीसी सनसनीखेज वाद पर फल फूल रहा है। पत्र में आगे ये भी कहा गया है कि ये सब बीबीसी की दुर्भावनाओं को उजागर करता है और इसके पीछे की मंशा पर सवाल उठाता है। और अब अगली खबर, प्रधानमंत्री रोजगार मेले के तहत शुक्रवार को पीएम मोदी ने देश भर में 71,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर पीएम ने कुछ नव नियुक्त युवाओं से संवाद किया। इन युवाओं में पश्चिम बंगाल की सुप्रभा विश्वास और श्रीनगर कश्मीर से फैसल शौकत शाह भी शामिल थे। आपकी बहुत छोटी आयु में आपको जॉब मिल गई है तो पढ़ाई तो पूरी नहीं हुई होगी, अब पढ़ाई के क्या सपने हैं, क्या सोच रही हो आप? हाँ सर, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, इग्नू से ग्रेजुएशन कर रही हूँ। अभी मैं आई गॉट वो की इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग है, वहां से मैं कर रही हूँ। एंड एट लास्ट आई वॉन्ट टू से आई हैव गॉट दिस। क्या अनुभव होता है आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म जो बना है उसका लाभ क्या हो रहा है आपको? सर, ये आई गॉट जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये खास तौर पर स्किल डेवलपमेंट के लिए बनाए गए हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। यहाँ हम अपने जरूरत के हिसाब से कोर्सेज कर सकते हैं। यहाँ तरह तरह के कोर्सेज उपलब्ध है, जैसे कि मैं पब्लिक सेक्टर बैंक में जॉब करती हूँ, यहाँ पर कस्टमर डीलिंग का बात है। यहाँ पर हमें रोज कस्टमर व्यवहार करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर एक कोर्स है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कोर्स, इससे मुझे बहुत ही फायदा हुआ।
इससे मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स अलॉन्ग विद राइटिंग स्किल्स आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। और यहाँ पर एक और चीज है, जैसे कि डिस्कशन हब, यहाँ कोई भी स्टूडेंट्स फ्रीली ओपनली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और हमारे डाउट्स भी क्लियर होते हैं। फैजल, आप भी तो आई गॉट कर्मयोगी का जरूर लाभ लेते होंगे, उस प्लेटफॉर्म पर आपको कितनी मदद मिली, व्यक्तिगत रूप से आपको क्या बेनिफिट होता है? जी सर, नए ज्वाइनीज के लिए जो कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल बनाया गया है, मैंने उसके सभी 8 कोर्सेज किए हैं। ऑनलाइन होने की वजह से इन कोर्सेज को करना बहुत आसान रहा। प्रारंभ मॉड्यूल का मैंने सेल्फ लीडरशिप कोर्स किया है, जो जिससे मुझे मदद मिली है खुद को बेहतर जानने में। और मैंने कोड ऑफ कंडक्ट, वर्ड ऑफ बिगिनर्स एंड एक्सेल पे कोर्स किया है, जिससे मुझे रोजमर्रा के कामों में मदद मिली है, ऑफिस के कामों में। सर, मुझे लगता है इस दौर में खुद को अपस्किल रहना बहुत ही जरूरी है। आगे चलकर मैं कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से और भी कोर्सेज करना चाहूंगा, जिसके बदौलत मैं आसानी से जिंदगी में आगे बढ़ सकूं। और अब अगली खबर का रुख करेंगे, खबर उत्तराखंड की है। उत्तराखंड के जोशीमठ में भूधसाओं क्षेत्र में असुरक्षित इमारतों को गिराने का सिलसिला लगातार जारी है। आपदा प्रबंधन सचिव के अनुसार अब तक 863 इमारतों में दरारें देखी गई हैं। 274 परिवारों को अस्थायी राहत केंद्रों तक पहुंचाया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि जोशीमठ में प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करना प्रधानमंत्री पुष्कर सिंह धामी की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। और दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास ने आज पश्चिम बंगाल के फरक्का टर्मिनल से अपनी आगे की यात्रा शुरू की। इस दौरान क्रूज ने फरक्का नेविगेशन लॉक को भी पार किया, जो इस यात्रा के दौरान सैलानियों के लिए एक रोमांचक भरा क्षण रहा। कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी आईएनएस वागीर को 23 जनवरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में बनी इस पनडुब्बी को नौसेना में शामिल करना भारतीय नौसेना के बिल्डर्स नेवी बनने की दिशा में एक और बड़ा कदम होगा। कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस वागीर समुद्र में भारत के हितों की रक्षा के लिए भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैयार है। ये पनडुब्बी एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के अलावा खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, माइन बिछाने और निगरानी मिशन जैसी क्षमताओं से लैस होगी। इसमें केंद्रीकृत प्रोपुलेशन और मशीनरी नियंत्रण के लिए इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है। आईएनएस वागीर में विश्व स्तरीय सेंसर भी लगाए गए हैं। वागीर सबमरीन जो है ये कलवरी क्लास की 5वीं सबमरीन है, और कलवरी क्लास के सारे सबमरीन जो हैं वो डिफरेंट रोल्स, जो वो मॉनिटरिंग हो, प्रेजेंस हो, या सर्वेलेंस हो, या कैरिंग आउट अटैक हो, हर एक रोल के लिए रेडी हैं। तो जिस रोल में हमें डिप्लॉय किया जाएगा उस रोल के लिए हम इक्विप करके जाएंगे। वागीर को 12 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। भारत में अब तक बनाई गई सब पनडुब्बियों में सबसे कम समय वागीर को बनाने में लगा है। फरवरी 2022 में शुरू हुए वागीर के समुद्री ट्रायल के बाद से वागीर की व्यापक जांच की गई। सेना में शामिल करने से पहले वागीर को कड़े निरीक्षण और समुद्री ट्रायल से गुजारा गया है। दिस सबमरीन इज डिजाइन टू कैरी आउट एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी शिप वॉरफेयर एंड माइन लेइंग ऑपरेशन and intelligence gathering operations. In addition to that, this submarine is very stealthy and can go up to very deep and find out information about the enemy. ये बहुत ही advanced submarine है। Basically अब तक जो submarine हमारे पास आई है ये 5th submarine है, और इसमें जो हमारे missiles and torpedoes हम use करते हैं बहुत ही advanced हैं, और definitely हम आगे आने वाले time पे जो भी warfare scenario रहेगा उसके लिए हम बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। आईएनएस वागीर पनडुब्बी की दो मुख्य विशेषताएं गोपनीयता और निडरता पर खरी उतरती हैं। इससे पहले वागीर नाम से ही एक पनडुब्बी को 1 नवंबर 1973 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इस पनडुब्बी ने
गश्त लगाने समेत कई ऑपरेशनल मिशन में हिस्सा लिया। करीब 3 दशक तक देश को सेवाएं देने के बाद इसे 7 जनवरी 2001 को सेवा मुक्त किया गया। INS वागीर कलवरी क्लास या स्कॉर्पिंग क्लास की 5वीं पनडुब्बी है। हम जानते हैं कि इसकी जो ध्येय है शौर्य, साहस, समर्पण, ये जाहिर सी बात है दर्शाता है कि किस तरीके से जब एक बार ये भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगी, बेड़े में आ जाएगी, किस तरीके से उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी। पहले की वागीर की परंपरा निभाते हुए ये वागीर भी अपनी स्टेलर सर्विस इंडियन नेवी को देगी। कैमरा पर्सन कपिल मस्की के साथ श्यामा मिश्रा, DD न्यूज़, मुंबई। और जम्मू कश्मीर में उम्मीद योजना के तहत युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राजौरी जिले में 6400 युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए ITI के कोर्सेज से जोड़ा जा रहा है। राजौरी जिले के उपायुक्त विकास कुंडल ने कहा कि इस प्रशिक्षण का मकसद युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराना है। जोरी का ITI है, इसमें हमने बैक टू विलेज जो प्रोग्राम हुआ था उसमें हमने 320 पंचायत में पर पंचायत 20 यूथ को आइडेंटिफाई किया था। लगभग 6400 के आसपास बच्चों को आइडेंटिफाई किया था जो हमें, जिनको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने से पहले ज़रूरी है कि हम उनकी स्किल अपग्रेडेशन करें। स्किल अपग्रेडेशन करने के लिए हमने ये ITI के जो वेरियस कोर्सेज हैं, जैसे कारपेंट्री का है, प्लम्बिंग का है, मोटर रिपेयर का है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, टेलरिंग का है, निटिंग का है, तो ये सब कोर्सेज हमारे ITI में अवेलेबल थे। तो हमने इसी के अंदर बच्चों को इनरोल किया है, जो हमने बच्चों को ब्लैक टू विलेज में आइडेंटिफाई किया था, और हम उन्हें स्किल अपग्रेडेशन दे रहे हैं ताकि वो इस ट्रेनिंग कोर्स को अटेंड करने के बाद अपने लेवल पे कुछ अपने बिजनेसेस खोल पाएं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएं। देश भर में 74वें गणतंत्र दिवस को लेकर उत्साह का माहौल है। अरुणाचल प्रदेश में असम राइफल्स की खोंसा बटालियन ने एक मेगा रिले मैराथन का आयोजन किया। तिरप और लोंगडिंग जिला प्रशासन के साथ CRPF ने भी मैराथन के आयोजन को लेकर अपनी अहम भूमिका निभाई। मैराथन में युवाओं और स्कूली छात्राओं के साथ 35 से अधिक गांवों के स्थानीय निवासियों ने पूरे जोश के साथ भाग लिया। मैराथन में जिला प्रशासन के अधिकारी भी शामिल रहे। स्थानीय लोगों ने इस दौड़ को आयोजित करने के लिए असम राइफल्स के प्रयासों की सराहना की। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर रुख करते हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ने सेना प्रमुख जूलियो सीजर डी को पद से बर्खास्त कर दिया है। राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने उनकी जगह जनरल टॉमस मिगुएल रिबेरो पाइवा को सेना प्रमुख का दायित्व सौंपा है। वो दक्षिण पूर्व सैन्य कमान के प्रमुख थे। राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने सेना प्रमुख अरूडा पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। ब्राजील में हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों द्वारा सरकारी भवनों पर धावा बोलने और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के बाद सैन्य प्रशासन पर कई आरोप लगे हैं। राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने कहा है कि निश्चित रूप से सेना में ऐसे लोग थे जिन्होंने दंगे होने दिए। राष्ट्रपति ने कहा कि तख्ता पलट के प्रयास में शामिल सभी सैनिकों को दंडित किया जाएगा, चाहे कोई भी पद हो। और वेनेजुएला के पूर्व गृह मंत्री मिगुएल रोड्रिगेज टोरेस लगभग 5 साल बाद जेल से रिहा हो गए हैं। मिगुएल रोड्रिगेज को वर्ष 2018 में गिरफ्तार किया गया था। मिगुएल रोड्रिगेज पर सैन्य बलों पर हमला करने की साजिश में शामिल रहने का आरोप था। रोड्रिगेज टोरेस गिरफ्तारी के विरोध में भूख हड़ताल पर चले गए थे। मानवाधिकार संगठनों ने मिगुएल रोड्रिगेज को जेल में प्रताड़ित करने का विरोध किया था। और फ्रांस में पेंशन में सुधारों की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। फ्रांसीसी यूनियनों ने सेवानिवृत्ति की उम्र को बढ़ाने की योजना के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कई संगठनों ने सार्वजनिक हड़ताल का ऐलान करते हुए कई सरकारी सेवाओं को बाधित किया। प्रदर्शन के चलते सार्वजनिक परिवहन सेवा बुरी तरह प्रभावित हुई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार ने रिटायरमेंट की आधिकारिक उम्र को 62 से बढ़ाकर 64 करने का प्रस्ताव पेश किया है, जो पूर्ण पेंशन के लिए जरूरी न्यूनतम सेवाकाल की अवधि को बढ़ा देगा। और केंद्र सरकार ने भारतीय कुश्ती महासंघ में चल रही सभी गतिविधियों को निलंबित करने का फैसला किया है। मंत्रालय ने WFI को निर्देश दिया है कि जब तक ओवरसाइट कमेटी औपचारिक रूप से कामकाज को नहीं संभाल लेती है, तब तक तत्काल प्रभाव से सभी गतिविधियों को निलंबित कर दिया जाए। खेल मंत्रालय ने
यूपी के गोंडा में चल रहे रैंकिंग टूर्नामेंट को भी रद्द करने के कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों से लिए गए प्रवेश शुल्क को वापस करने का निर्देश दिया है। वहीं खेल मंत्रालय ने एक अन्य फैसले में WFI के सहायक सचिव विनोद तोमर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। और अब खबर खेल की है। ओडिशा में खेले जा रहे पुरुष हॉकी विश्व कप में आज भुवनेश्वर में क्रॉसओवर मुकाबले भी भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। भारतीय टीम ने ग्रुप डी में जहां दूसरा स्थान हासिल किया है और स्पेन और वेल्स के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की है, तो वहीं न्यूजीलैंड की टीम को अभी तक इस विश्व कप में सिर्फ चिली के खिलाफ ही जीत मिली है। दोनों ही टीमों के लिए वैसे तो ये मुकाबला करो या मरो का है, लेकिन यहाँ पर जो भी जीत दर्ज करेगा वो क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगा। स्पेन और वेल्स को हराने के बाद भारतीय हॉकी टीम ग्रुप डी में दूसरे नंबर पर है और अब टीम के सामने क्वार्टर फाइनल में जाने की चुनौती है। हरमनप्रीत की सेना फिलहाल जिस फॉर्म में है उसे देखते हुए कीवी टीम से पार पाना मुश्किल भरा नहीं दिखता, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की डोज हमेशा घातक होती है और शायद इस बात से भारतीय रणबांकुरे खुद को बिल्कुल भी दूर नहीं रखना चाहेंगे। टीम की बात करें तो स्पेन और इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने वाले हार्दिक सिंह चोट के चलते न्यूजीलैंड मैच में सामने नहीं होंगे। ऐसे में ये बात जरूर टीम इंडिया के लिए एक बड़ा झटका होगी, लेकिन इससे हटकर अगर खेल की बात करें तो एक बार फिर से टीम को पेनल्टी कॉर्नर पर जबरदस्त रूप से मेहनत करनी होगी, क्योंकि अगर पहले दो मुकाबलों को उठाकर देखा जाए तो भारतीय टीम को कुल 9 पेनल्टी कॉर्नर मिले थे जहां टीम सिर्फ एक को ही गोल में बदल पाई। इसके साथ ही फिनिशिंग पर भी टीम को ध्यान देना होगा, क्योंकि आसानी से भारतीय टीम भी गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाने में सफल नहीं हो रही। लेकिन इसके साथ ही अच्छी तस्वीर ये है कि टीम का डिफेंस बेहद सॉलिड दिख रहा है, जहां विरोधी टीम को गोल करने के मौके तक ढूंढने के लिए तरसना पड़ रहा है। भारतीय टीम के पास आकाशदीप सिंह और अमित रोहितास और खुद कप्तान हरमनप्रीत हैं और इनकी तिकड़ी अपने दिन पर किसी भी विपक्षी टीम पर भारी पड़ने के लिए काफी है। उधर न्यूजीलैंड की बात करें तो इस टीम की विश्व रैंकिंग 9वीं है। टीम 4 बार विश्व कप में 7वें स्थान पर रही है। न्यूजीलैंड ने विश्व कप में अपना अभियान जीत के साथ शुरू किया था और चिली को पहले मैच में 3-1 से हराया था, लेकिन इसके बाद इस टीम को नीदरलैंड्स के खिलाफ 4-0 से हार मिली, जबकि मलेशिया के खिलाफ 3-2 से शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। आंकड़ों की बात करें तो न्यूजीलैंड और भारत के बीच अब तक 44 मुकाबले हुए हैं, जिसमें 24 में भारत ने जीत दर्ज की है, जबकि 15 मुकाबले न्यूजीलैंड ने जीते हैं, वहीं 5 मुकाबले टाई रहे हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये एक ऐसी जंग रहेगी जहां दोनों ओर दबाव का खेल हावी दिखेगा और इसी बात पर सही कंट्रोल क्वार्टर फाइनल में एंट्री का डोर ओपन करेगा। ओडिशा से मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और प्रदूषण के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए गुजरात के सूरत में साइक्लोथॉन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में 5,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट सूरत महानगर पालिका और सूरत शहर पुलिस द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 5 किलोमीटर और 20 किलोमीटर तक की श्रेणियां शामिल थी। और महाराष्ट्र के नागपुर में एशियाई जलपक्षी गणना के दौरान विदेशी और देशी पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिली हैं। पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। जलपक्षी गणना से न केवल पक्षियों की वास्तविक संख्या का पता चलता है, बल्कि आर्द्र भूमि की जो वास्तविक स्थिति होती है उसका भी अंदाजा लगाया जाता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।